हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है और ये मैंने चारकोल से आर्टवर्क बनाए हैं। आई होप आपको ये आर्टवर्क अच्छे लगे होंगे। ये मैंने आयरन मैन बनाया और ये मैंने अभी रिसेंट अभी अपलोड किया था जो वीडियो, उसका पहले थी। और ये मैंने केजू भाई का बनाया, ठीक है। और ये मैंने चारकोल से बनाया। तो चारकोल को बनाने का एक तरीका होता है, आप ग्रेफाइट की तरह नहीं कर सकते क्योंकि चारकोल जो होता है वो बहुत जल्दी स्मज नहीं होता। मैं आपको ये कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ओरिसन की चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट, ठीक है। इसमें तीन तरह की आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ये मैं आपको सॉफ्ट वाली जो सबसे ज़्यादा ब्लैक होती है, डार्कनेस प्रोड्यूस करती है, उसकी बता रहा हूँ। ये मैंने सीधा पेपर पे चलाया और मैं इसको आपको स्मज करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पूरे तरीके से स्मज नहीं है, ठीक है। तो इसमें पीछे चारकोल रह जाता है जिससे ड्राॅइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो आप किसी कागज़ पर, जैसे मैंने ये घिसा है, इसी तरीके से करके और इस ब्रश में चारकोल को भर लीजिए और फिर उसको इस तरीके से चलाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको डार्कनेस लानी है तो इसको बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे ये डार्कनेस आएगी। हर बार आपको पेंसिल को दूसरे कागज़ पे घिसना होगा इस तरीके से और फिर चारकोल को ब्रश में लेना होगा, जिससे आपकी स्मूथ ड्राइंग बनेगी, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट आएगा जैसे इसमें आएगा। मैंने सेम इसमें ऐसे ही किया और ये तीनों टेक्निक ऐसे ही तरीके से की, क्योंकि ये ग्रेफाइट नहीं है जो बहुत जल्दी स्मज हो जाता है किसी भी ब्लेंडिंग स्टम से या किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। आप ब्लेंडिंग स्टम से करें तब भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो ये है, ट्यूटोरियल है एक तरीके से आप बोल सकते हैं, चारकोल की ड्राइंग का एक सीक्रेट है, क्योंकि ये बहुत इजीली नहीं बनती है और ना चारकोल में बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है। ये वीडियो से अगर आपकी कोई मदद हुई हो, कोई हेल्प की हुई हो, तो थैंक यू। और आप कोई भी कमेंट जो चारकोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ या किसी भी ड्राॅइंग से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।